आप सभी दर्शकों का इस खास प्रोग्राम जिंदगी आजकल में स्वागत है। मैं हूं ज्योति अरोड़ा, आपकी एस्ट्रोलॉजर, टैरो का रीडर और फेंगशुई मास्टर। तो आज है बुधवार और बुधवार वाले दिन आप बहुत उत्सुक होंगे जानने के लिए अपना आज का फोकस। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अपनी राशि देखिए और मैं अपने टैरो कार्ड से आपको बताऊंगी आपका आज का फोकस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एरिस के लिए क्या है आज का दिन। एरिस के लिए निकल कर आया है आज प्रैक्टिकलिटी से भरा हुआ दिन। आज आप बहुत ही स्ट्रांग और टफ डिसीजंस ले सकते हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको मॉनिटर किया जाएगा विद ईगल्स आई। बहुत ही राइट अप्रोच होगी आपको जज करने की, आपके बॉसेस की, मतलब आप जो काम करोगे उस काम के हिसाब से ही आपको उसका मतलब आउटपुट जो है डिसाइड किया जाएगा कि आपको आने वाले समय में प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज का दिन टोटल प्रैक्टिकलिटी से भरा है। पैसा कमाने के लिए भी अच्छा दिन है आजकल। टॉरस की बात कर ली जाए अब, तो टॉरस के लिए मैं कार्ड निकालती हूँ। टॉरस के लिए निकल कर आया है ये कार्ड एस ऑफ वांड्स का। बहुत ही अच्छा कार्ड निकल कर आया है आपके लिए। एक अच्छी शुरुआत हो सकती है आज। आज आपकी एक दोस्ती, बहुत मजबूत दोस्ती की शुरुआत हो सकती है किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे आपका रिश्ता एक डिफरेंट एंगल पे चल रहा था। ये कार्ड बहुत एक बात बोलती हूँ मैं, बहुत ही क्रिएटिविटी आपके जीवन में आज उजागर करता है। कुछ नई अगर आप क्रिएटिव चीज की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज जरूर कीजिए। और अब अगली राशि का रुख करते हैं। तो जेमिनी के लिए निकला है ये कार्ड ट्रबल हैज कम टू गो। कुछ छोटा मोटा कष्ट आ सकता है आज आपके ऊपर। उस कष्ट से आपको हो सकती है थोड़ी सी परेशानी। आपको लग सकता है कि इस कष्ट से आप बाहर निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल एक ऐसा थोड़ा सा जैसे ना प्रारब्ध में लिखा होता है कि आपको किसी चीज से गुजर के जाना है तो आप उस चीज से आसानी से निकल जाएंगे। तो आप बस ईश्वर से पॉजिटिव होकर प्रार्थना कीजिए कि आप इस प्रॉब्लम से निकल जाए, और आप निकल भी जाएंगे। बस अपनी इंपल्सिव बिहेवियर को आज थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो कैंसर यानी कि कर्क राशि के लिए कार्ड निकालती हूँ। कैंसर यानी कि कर्क राशि का आज कोई सीक्रेट आउट हो जाएगा। ये कार्ड बताता है बहुत लॉन्ग कैप्ट सीक्रेट जो किसी से आपने नहीं डिस्कस किया था वो आउट हो सकता है। और आप थोड़ा सा आज ये भी मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो फीमेल्स हैं उन लोगों के लिए खास करके हार्मोनल प्रॉब्लम कुछ आपको परेशान कर सकती है। तो हो सकता है कि आपको कोई गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने की आवश्यकता पड़े और एक गायनी चेकअप की आवश्यकता पड़ सकती है। तो अब लियो की बात करें तो लियो का निकला है ये कार्ड। लियो का कार्ड काफी अच्छा निकला है। लियो के लिए सन कार्ड, तो बिल्कुल सन आपका जैसे लॉर्ड है राशि का, और ये भी सन कार्ड निकला तो ये तो बहुत ही अच्छा कार्ड निकल कर आया है आज का दिन। आपका एक अच्छी शुरुआत होगी, आपकी पुरानी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलेगा। एक जैसे होता है ना सुबह की किरण आपके अंधकार को दूर करती है, वैसी ही फीलिंग देगा ये दिन। रिलेशनशिप के लिए अच्छा दिन है और नई जॉब की शुरुआत के लिए अच्छा दिन है। लव रोमांस के लिए भी अच्छा दिन रहेगा। तो वर्गो के लिए निकालते हैं। तो वर्गो का निकला है ये कार्ड। वर्गो का निकला है स्ट्रेंथ कार्ड। ये कार्ड आपके एक बिहेवियर के बारे में बताएगा। आज आपका एक ऐसा बिहेवियरल साइड लोगों के सामने आएगा कि आप जो है ना मॉरल वैल्यूज को बहुत ज्यादा महत्व देने वाले हैं। आप जो है किसी भी कीमत पर अपने सिद्धांतों से दूर जाकर कोई भी बात नहीं करेंगे। आप सोसाइटी में रहकर सोसाइटी के जो भी रीति रिवाज है उनको फॉलो करना चाहेंगे। जैसे कि कहते हैं ना कि अगर रिलेशनशिप में कोई है तो आप लिव इन रिलेशनशिप में ना रहकर एक जो शादी के बंधन में बंध कर किसी के साथ जिंदगी बिताना ज्यादा पसंद करेंगे। तो आप समाज के दायरों के अंदर रहकर ही कोई काम करेंगे। कुछ गलत काम अब आप करेंगे ही नहीं आज के दिन, तो कुछ ऐसा लग रहा है। बड़ी अच्छी फीलिंग है आपके मन में। तो अब लिब्रा की बात की जाए तो लिब्रा का निकला है ये कार्ड। लिब्रा का आया है टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। बहुत ही मूड आज आपका ऊपर नीचे हो सकता है और इस वजह से आपके साथ वाले लोग भी आज आपको समझ नहीं पाएंगे। आप कभी किसी से अचानक ज्यादा गुस्सा हो सकते हो और फिर थोड़े समय बाद आप रियलाइज करोगे कि आपका गुस्सा होना शायद मतलब जरूरी नहीं था, सामने वाले को ऐसे ही आपने अपसेट कर दिया। और पैसा कमाने के लिए ठीक है, पैसा आप कमा लेंगे, आपकी नीड्स फुलफिल हो जाएंगी आज के दिन। तो अब स्कॉर्पियो की बात करें तो स्कॉर्पियो के लिए निकला है ये कार्ड। ये कार्ड है जस्टिस का कार्ड। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो लीगल मैटर्स के लिए थोड़ा सा आपका फोकस बढ़ेगा और लीगल मैटर आपके फेवर में जा सकता है। कि अगर आपने किसी का कोई आपने नुकसान नहीं किया तो आप मानकर चलिए जस्टिस आपके साथ ही होगी। ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर आपको इवैल्यूएट किया जा रहा है कहीं पर, कोई आपको जज कर
रहा है तो आपके फेवर में जाएगा वो भी। और अब बात करते हैं सैजिटेरियस की, तो सैजिटेरियस का निकला है हैंगमैन का कार्ड। अभी आपको और भी ज्यादा मतलब जो है परखा जाएगा। मुझे ये कार्ड बताता है कि अभी आप कुछ सेक्रीफाइसेस दे रहे हैं किसी चीज में और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको समय परख रहा है, ईश्वर परख रहा है, तो अभी आपको और भी समय की कसौटी पर परखा जाएगा और ये आपका कष्ट अभी थोड़े समय और चलेगा। तो आज का दिन थोड़ा सा इस तरह की फीलिंग के साथ और इस तरह के एक्सपीरियंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे कि अभी प्रॉब्लम्स हैं। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है आप लोगों को। कैप्रिकॉर्न के लिए निकालती हूँ। कैप्रिकॉर्न का थोड़ा सा बदलाव है, ये कार्ड बताता है कि कैप्रिकॉर्न राशि वाले आज थोड़ा सा बेटर महसूस करेंगे। पहले से कुछ चीजें बदल गई हैं आपके आसपास। स्पेकुलेशन में हाथ डाल सकते हैं आप, शेयर मार्केट में अगर आप मतलब इंटरेस्ट रखते हैं तो आज मुझे लगता है कि शेयर मार्केट में आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ सकता है, या कोई छोटा मोटा दाव आप कहीं और भी खेल सकते हैं। तो अब एक्वेरियस के लिए निकालती हूँ कार्ड। तो एक्वेरियस का आज थोड़ा सा अपसेटिंग कम्युनिकेशन हो सकता है किसी से, कोई आपको अपसेटिंग न्यूज मिल सकती है, या हो सकता है कि आप किसी से ठीक से बात ना करें और आपका किसी व्यक्ति के साथ रिश्ते में थोड़ी सी ना कड़वाहट आ जाए। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप अपनी तरफ से किसी से रिश्ता ना खराब करें। जनरली एक्वेरियस राशि वाले दिल के तो अच्छे होते हैं लेकिन भावनाओं में ज्यादा बह सकते हैं, कभी कभी इमोशनल हो सकते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चलिए आखिरी राशि मीन राशि की बात करते हैं। तो मीन राशि के लिए निकला है मेंटोर सपोर्ट का कार्ड और बहुत ही अच्छा गाइड, और मतलब जैसे ना फ्रेंड फिलोसफर गाइड, कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आज बहुत बड़ा रोल प्ले करे, ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में होगा और आपको किसी भी दुविधा से वो बाहर निकाल सकता है। तो ये हुई आज के फोरकास्ट की बात। तो चलिए बात करते हैं आज का जो चल रहा है ना, जैसे विश्वव्यापी चीजें जो चल रही है, जैसे तो एक तो हमारे यहाँ भारत में सावन का महीना चल रहा है, वैसे ही अगर हम चाइनीज पद्धति की बात करें तो ये जो महीना जो चल रहा है, इस महीने को कहते हैं द हंग्री घोस्ट मंथ। तो जो हंग्री घोस्ट मंथ जो इस साल जो शुरू हुआ है उसकी जो डेट है, उसकी एग्जैक्ट डेट आप नोट करके चलिए, 4 अगस्त से शुरू होती है और 2 सितंबर तक चाइनीज लोग बिलीव करते हैं कि हंग्री घोस्ट मंथ लास्ट करता है। तो इस समय ये माना जाता है कि जो हंग्री घोस्ट है पूरी पृथ्वी पर जो है घूमते रहते हैं और इस दौरान बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, मिसफॉर्चून्स होते हैं, लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, मतभेद खड़े होते हैं और ऐसे में ही जो हेल के गेट्स ओपन होते हैं। ऐसे इसी वजह से जो स्पिरिट्स एंड घोस्ट जो हैं वो वहाँ से निकल कर पृथ्वी में फ्रीली घूमते हैं। तो ऐसे समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उन हंग्री घोस्ट को अपनी जिंदगी को ज्यादा प्रभावित ना करने दें, क्योंकि वो हमारी कीमत पर पृथ्वी पर आकर हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ऐसे में फुल मून नाइट पर उनके लिए फूड रखना, इंसेंस बर्न करना, ये सब करना जो 17 और 18 की रात है अगस्त की, करना काफी अच्छा रहता है। कुछ ना कुछ ऑफरिंग घर के बाहर रख दीजिए रात के समय, ताकि ये वॉन्डरिंग स्पिरिट्स या जो एंसेस्टर्स हैं जो कि अच्छे उसमें नहीं गए हैं, रैले में नहीं गए हैं, उनको थोड़ी शांति मिल सके। और इंसेंस बर्न करना सबसे अच्छा है और फूड रख देना अच्छा है। तो ऐसा आप करके चलिए इस महीने, ताकि हंग्री घोस्ट मंथ आपकी जिंदगी में कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट ना ला सके। और भी टिप्स मैं आपको इस सप्ताह देती रहूंगी हंग्री घोस्ट मंथ के बारे में। आज के लिए इतना ही, अगले शो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।